हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेयर सॉल्यूशन। मेरा नाम है सौरभ वर्मा। आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इसमें करके दिखाने वाला हूँ आउटवर्ड्स ब्लो ड्राई। तो जैसे आपको पता है, पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग एक नया कोर्स चला रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका नाम है हेयर स्टाइलिंग कोर्स। हेयर स्टाइलिंग कोर्स में मैंने 1 डे से स्टार्ट किया है। आज ऑलमोस्ट हमें 15-16 डेज हो चुके हैं सिखाते हुए, अलग अलग टॉपिक लेते हुए। मैं सारा हेयर स्टाइलिंग सिखाने वाला हूँ, सॉफ्ट बन, रशियन बन, ब्रेड्स, मरमेड कैसे कैसे करते हैं वो सब सिखाऊंगा आप लोगों को। आप लोगों का साथ चाहिए, मेरे साथ बने रहिए। और कुछ भी आपको नया सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं हमारे क्लाइंट के ऊपर, जिन पे मैं ब्लो ड्राई करके दिखाने वाला हूँ आउटवर्ड्स ब्लो ड्राई। स्ट्रेट वर्ड ब्लो ड्राई, स्ट्रेट ब्लो ड्राई का ऑलरेडी वीडियो आप देख चुके हो, ये आउटवर्ड ब्लो ड्राई है। और फ्यूचर में और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और अगर आपको कुछ पेड कोर्स लेने हैं, बहुत सारे हमारे पेड कोर्स भी हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज़रूर बताइएगा। चलिए क्लाइंट पे चलते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने पहले शीट लगा लिया है। शीट लगाने के बाद, जो केप बोलते हैं, कटिंग केप, वो लगाने के बाद हम करने वाले हैं, पहले फिंगर ड्राई कर लेंगे। फिंगर ड्रायर के बाद हम आपको करके दिखाने वाले हैं आउटवर्ड्स ब्लो ड्राई या आउट कर्ल्स ब्लो ड्राई। वो कैसे किया जाता है मैं आज करके दिखाने वाला हूँ। और एक्चुअल में बहुत मज़ा आने वाला है ये वीडियो के अंदर, बिकॉज इसके पीछे रीज़न बता रहा हूँ। बहुत मज़ा क्यों आएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें देखने वाले हो जो पहले आपने काफ़ी वीडियोज़ में नहीं देखी होंगी। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो होने वाला है ये, और आप लोगों का हेल्प चाहिए। साथ में देखते रहें और बताते रहें। थोड़ा वीडियो फास्ट करूँगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। तो हम पहले अच्छे से बालों को ड्राई कर रहे हैं। जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल दें बालों में से। इसी तरीके से आप अच्छे से एक्स्ट्रा वाटर जितना भी है वो निकाल देंगे, ताकि मुझे बाल ड्राई करने में आसानी रहे। 80% बाल हम सुखा लेंगे फिंगर ड्रायर से ही, एंड देन उसके बाद हम यूज़ करेंगे हमारे ब्रशेस का। कमाल दिखाऊंगा मैं आज, आप देखोगे मज़ा आ जाएगा आपको। ये ड्रायर जब एंड तक देखोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है, ट्रस्ट मी, यू गाइस गोना लव इट। तो उसी तरीके से मैंने सबसे पहले बालों को कर लिया है 80% ड्राई, और उसके बाद कर लूँगा सेक्शनिंग। तो सेक्शनिंग में मैं जितने कम हो सकता है उतने कम सेक्शन लूँगा, बट स्टिल आपको सिखाने के लिए मुझे सेक्शनिंग प्रॉपर करके दिखाना पड़ेगा। मैंने बॉक्स का एरिया जो है उसको अलग से क्लिप कर लूँगा, बॉक्स एरिया को अलग से बांध लूँगा या क्लिप कर लूँगा, यही आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो इस तरीके से ट्विस्ट कर दें बालों को, एंड छोटे छोटे, मेरे पास आपको मैंने दिखाया था स्टील के क्लिप्स हैं, उससे हम बालों को टाई कर देंगे। टाई कर देंगे मतलब बांध देंगे। ओके, छोटे छोटे क्लिप्स लें और उनको टाई कर दें, ताकि हम इनको जब मन करें उनको खोल सकते हैं। अभी आ जाऊंगा मैं साइड के पोर्शन में। साइड के पोर्शन में भी जो हमारे ईयर टू ईयर वाले सेक्शन हैं वो ले लेंगे। आप इसमें सेक्शनिंग आप अपने तरीके से भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि टिपिकल सेक्शन लेंगे। ये भी बेस्ट है जो मैं निकाल रहा हूँ। ये सेक्शनिंग में ब्लो ड्राई जो करना होता है वो जल्दी हो जाता है थोड़ा। तो इसको भी मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ, उसी तरीके से घुमा दूंगा एंड देन बालों को क्लिप कर दूंगा। आपको अलग अलग ऐसे ही छोटी छोटी चोटियां या पोनी या बना लेनी है और सेक्शनिंग कर देनी है सब तरफ। उसी तरीके से मैं इस साइड भी सेम तरीके से कर दूंगा पोनी। और अभी आ जाऊंगा अदर साइड, राइट साइड में एक सेक्शन लिया मैंने, इनको पहले टैंगल फ्री करूंगा पेडल ब्रश की हेल्प से, एंड देन उसके बाद इन बालों को ट्विस्ट करके टाई कर दूंगा। तो यहां पे आपको उसी तरीके से
बालों को पकड़ लूंगा और घुमा दूंगा। इस तरीके से पोनी करें, एक छोटी सी सेक्शन लेके बना के रख दें और छोटा क्लिप लगा दें ताकि वो बाल कहीं ना जाए, वे वहीं पे रहेंगे। अभी आ जाते हैं बैक हेयर पे। बैक हेयर में हम लोग ऑलमोस्ट निकालेंगे 4 या 5 सेक्शन, वो भी हम देख लेंगे कि हमें कितने बाल हैवी हैं कितने पतले हैं, उस पर डिपेंड करता है। वैसे ये 2 सेक्शन में भी हो सकता था, एक बॉटम सेक्शन एक टॉप सेक्शन, या वर्टिकली 2 सेक्शन ले सकते थे हम। बट अभी मुझे प्रॉपर तरीके से आपको ड्रायर सिखाना है, तो मैं प्रॉपर तरीके से सेक्शनिंग लूँगा और प्रॉपर तरीके से ही सिखाऊँगा। तो इसलिए हमारा वीडियो जो है मैंने थोड़ा अच्छे से और डिटेल्ड बनाया है ताकि आप लोगों को ड्रायर करने में कभी दिक्कत ना आए। तो ये बालों का सबसे पहले मैं ब्लोअर स्टार्ट करूँगा। सबसे बड़ा राउंड ब्रश लेंगे, हमें बालों को पहले स्ट्रेट करना है और एंड्स को आउट करना है। तो पहले रूट्स को सुखा लूँगा इस तरीके से, बालों को मैं स्ट्रेट पकड़ रहा हूँ ब्रश की हेल्प से। सब तरफ से बालों को रूट्स से पहले हम ड्राई कर लेंगे और फिर एंड्स, मिड्स और एंड्स को भी अच्छे से हम ड्राई कर लेंगे। जैसे ही आपको लगता है कि आपने 100% बालों को सुखा दिया है, देखिएगा शाइन बहुत सारा आ जाएगा इसके अंदर, बिकॉज ये ब्रशेस का कमाल है। अब मैंने छोटा ब्रश लिया है, ये आउट्स कर दूंगा एंड्स पे, मिड लेंथ तक मैं आउट्स रखूंगा इसको। ठंडा गर्म हवा आप देते रहें बार बार, 2 से 3 बार ऐसा करना है, और जो कर्ल्स है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। उसी तरीके से तो मैं वो जो ब्रश है वहीं छोड़ दूंगा, लटका दूंगा वहीं पे, वो कहीं नहीं गिरेगा क्योंकि वो बालों में अटका हुआ है। तब तक मैं इस साइड के बालों को ड्रायर कर लूंगा। ओके, रूट्स ड्राई करूंगा और फिर एंड्स ड्राई करूंगा उसी तरीके से। अभी वो वहां पे ब्रश छोड़ने का मतलब है जो हमारे कर्ल्स हैं वो और ज्यादा स्टे करेंगे क्लाइंट के बालों में, क्योंकि हमने उसी शेप में वो बालों को छोड़ दिया है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट दिया है। अभी उसको निकालूंगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, क्लिप लगा सकते हो। मैं क्लिप लगाऊंगा अभी यहाँ पे, और लंबा समय छोड़ना है जब तक हमारा फुल ड्रायर नहीं हो जाता है। तो मैंने क्लिप लगा के छोड़ दिया। अभी इस साइड के बाल हम छोटे राउंड ब्रश से कर लेंगे आउटवर्ड्स, उसी तरीके से आउटवर्ड्स ड्रायर कर लेंगे, एंड 2 से 3 बार हम ऐसे ही बालों को करेंगे ड्राई। अगर बाल छोटे छोटे निकल रहे हैं, दोबारा से पकड़ के उनको इन कर लीजिए ब्रशेस के अंदर। ये छोटा वाला राउंड ब्रश है, ब्रश जो यूज़ कर रहा हूँ वो है डेनमैन कंपनी का, और मैं जो ड्रायर यूज़ कर रहा हूँ वो है बेबीलिस कंपनी का। तो दोनों आपको ब्रांड बताया है मैंने, दोनों आप खरीद सकते हो, ईजी है। तो अभी टॉप के 3 सेक्शन लूँगा यहाँ पर, मैं वो दिखाता हूँ। पहले एक साइड में सेक्शन लिया, बाल हैवी हैं इसलिए, और फिर उसके बाद बालों को स्ट्रेट करना शुरू किया उसी तरीके से जैसे हम करते हैं, उसी तरीके से बालों को किया हमने स्ट्रेट, एंड देन हमें एंड्स को आउट कर लेना है, या आपको जैसे मैंने बताया था आउटवर्ड्स करके छोड़ के रखना है थोड़ी देर के लिए। तो ये प्रोसेस हमारा पूरा रहेगा पूरे बालों में। बट आप सेक्शनिंग का ध्यान रखें, जो हम सेक्शनिंग निकाल रहे हैं उसी सेक्शनिंग पे आपको काम करना है। जी हाँ, ज़्यादा बेटर है अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं, मैनेजेबल हेयर चाहते हैं, मैनेजेबल ब्लो ड्राई चाहते हैं, आउटवर्ड्स ब्लो ड्राई। तो मैं बालों को यहाँ पे पकड़ रहा हूँ, अभी मिडल का सेक्शन लिया है मैंने, टॉप से क्लीन कर रहा हूँ, ड्राई कर रहा हूँ, रूट से ड्राई कर रहा हूं उसी तरीके से। आपको टाइम लेके काम करना है, ब्लो ड्राई में चाहे 15 मिनट लगे, लगा के अच्छे से ब्लो ड्राई करो ताकि आपको रिजल्ट मिले और आपका क्लाइंट दोबारा आपके पास आए, क्योंकि ब्लो ड्राई ही एक ऐसी एकमात्र सर्विस है जिससे क्लाइंट बहुत खुश होता है, और हमें क्लाइंट को खुश रखना है। आप ब्लो ड्राई अच्छा करके दोगे, क्लाइंट सिर्फ ब्लो ड्राई ही देखेगा, कलर तो उसको पसंद आए ना आए फर्क नहीं पड़ता है। आई नो कलर का भी बहुत मायने रहे हैं,
बट स्टिल ब्लो ड्राई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे, ब्लो ड्राई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे। उसी तरीके से मैं ब्लो ड्राई कर रहा हूँ। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आपको बता दूं हमारे कुछ नए कोर्सेज आते रहते हैं, उसको ज़रूर देखने के लिए या पाने के लिए या सीखने के लिए आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर पे या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें। तो इस साइड के बाल देखिए, मैं पूरा टाइम ले रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। अब इस साइड के जो हमारे सेक्शन है वो निकाल लेंगे, उसी तरीके से हम इस पे लगा देंगे क्लिप। अभी मैं आ जाऊंगा अदर साइड। इसको आप दोनों साइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस साइड भी खड़े होके कर सकते हो, अदर साइड भी खड़े होके कर सकते हो। तो मैं इस साइड खड़ा रहूंगा आपको दिखाने के लिए कि हम कैसे कर रहे हैं आउटवर्ड्स ब्लो ड्राई। इनवर्ड्स आपने देख लिया, ये हमारी हेयर स्टाइलिंग की क्लास चल रही है। ये सारी चीज़ें आपको पहले सीखना इसीलिए ज़रूरी है, तब हम जाके हेयर स्टाइल बनाना शुरू करेंगे। जब आप ये सब सीख लेते हो, बहुत इजी हो जाता है आप लोगों के लिए बाकी हेयर स्टाइलिंग बनाना। जब आपको स्ट्रेट ब्लो ड्राई, क्रिम्पिंग करना, आयरन करना, आउटवर्ड्स ब्लो ड्राई आ जाता है, फिर पफ बनाना आ जाता है, बैक पफ, फ्रंट पफ, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे काम कर रहे हो। तो ध्यान रखें हमेशा, जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं तो क्लासेस में रेगुलर रोज देखते रहें हर एक क्लास को। हमारा अभी यही कोर्स चल रहा है हेयर स्टाइलिंग को लेके, जिसमें हम हेयर स्टाइलिंग स्टार्ट किए हैं सिखाना। उसी तरीके से हम क्लिप कर लेंगे बालों को, जिस तरफ हमने कर्ल्स किया है बालों को। बालों में शाइन बहुत आ जाती है, मैं बताऊँ आपको, जब भी आप ड्रायर करो तरीके से, तो शाइन आना मतलब आपने राइट तरीके से ब्लो ड्राई किया है। अगर बालों में शाइन नहीं आ रही है, दैट मीन आपका ब्लो ड्राई ठीक नहीं हो रहा है। जी हाँ, जब भी आप ब्लो ड्राई करो, शाइन आना मस्ट है, क्योंकि हम क्यूटिकल्स को बंद कर रहे हैं और शाइन ऐड कर रहे हैं। जो हमारे ब्रशेस के ब्रिस्टल्स होते हैं, उससे शाइन मिलती है। इसलिए बोलता हूँ कि थोड़े ब्रशेस महंगे ज़रूर खरीदो, पर उसका बेनिफिट मिलता है। जी, इस साइड का सेक्शन अगर आपको लगता है कि अच्छे से नहीं हुआ है, उसको अच्छे से कर लें, नहीं तो क्या होगा, हम आगे वाले सेक्शन करने बैठेंगे तो ये बीच बीच में आता रहेगा। इसलिए मैंने दोबारा सेक्शनिंग रिपीट किया यहाँ पहले। हाँ, तो ड्रायर करना शुरू करेंगे हम अच्छे से। पहले रूट्स को सुखाएंगे, अच्छे से रूट्स को सुखा लेंगे। और फिर उसके बाद जैसे ही रूट्स सूख जाता है, एंड्स को सुखाएंगे। हमारा इंस्टाग्राम फेसबुक ज़रूर फॉलो करते रहें, स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा बार बार हमारे इंस्टाग्राम पेज का नाम, हमारे फेसबुक पेज का नाम, हमारा मोबाइल नंबर। और साथ में ये भी बताते हैं कि आप हमारे चैनल को जाके लाइक शेयर कमेंट करें और अपनी सिटी का नाम लिखें, आप कौन सी सिटी से हो तो हमें पता चलेगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लासेस आपको कौन सी सीखनी है तो बताएं। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, जिसमें ऑल पे क्लिक करें। तो इस साइड के बाल कर रहा हूं मैं आउटवर्ड्स। उसी तरीके से मैं छोड़ देता हूं जो ब्रश है, अभी आ जाएगा हमारा टॉप का पोर्शन, इसको मैं आगे लेके जाके सारे बालों को करूंगा स्ट्रेट। अभी ये मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि ये हम बिल्कुल लास्ट में करते हैं और इसी से ही प्रॉपर लुक आता है फुल ब्लो ड्राई का। अगर आप ये बेस्ट कर दोगे पूरे ब्लो ड्राई के अंदर, बॉक्स का एरिया, फ्रंट एरिया, तो मज़ा आ जाएगा।
सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है अगर आप ब्लो ड्राई में बॉक्स एरिया सबसे बेस्ट तरीके से कर देते हो, क्योंकि उससे फेस फ्रेम होता है। जब भी आप फेस पे कुछ इस तरीके से अगर आप करते हो ब्लो ड्राई या नहीं ब्लो ड्राई, मेन बॉक्स एरिया देखना होता है। तो मैंने साइड के पार्ट को किया क्लिप, फिर हम कर देंगे बॉक्स एरिया को भी आउटवर्ड्स करना है उसी तरीके से, ताकि हमें प्रॉपर रिजल्ट मिल जाए। जी हाँ, उसी तरीके से मैंने थोड़ी देर इसको भी रखूंगा क्लिप करके। जैसे ही ये क्लिप रखूंगा तब तक हम बैक वाले जो हेयर हैं उनको ओपन कर लेंगे थोड़ा, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में क्या रिजल्ट आना है। तो आपको आज का जो ब्लो ड्राई है वो तो समझ में आ गया होगा। सारे क्लिप्स निकाल दे रहा हूँ मैं इस तरीके से, जितने भी क्लिप हैं ध्यान से देखिएगा, नहीं तो बाल अटक सकते हैं। अभी बॉक्स एरिया वो भी खोल दूंगा मैं, ऑन करके पीछे ले आऊंगा इस तरीके से। अभी देखिएगा इन सारे हेयर्स को, जितने भी कर्ल्स हैं उन सबको हम खोल देंगे। इसके बाद आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक ठोक दो भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं सब लाइक ठोक दो। अब देखिए कितना मज़ेदार, कितने सॉफ्ट कर्ल्स हो गए हैं। ये एक हफ्ते तक नहीं निकलेंगे क्लाइंट के बालों में, अगर एक हफ्ता वॉश नहीं करे तो ऐसे ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। यस, तो हमने आज आप लोगों को सिखाया है आउटवर्ड्स ब्लो ड्राई कैसे किया जाता है। अगर क्लाइंट बांधता है तो तब बाल कैसे लगेंगे, अगर नहीं बांधता है खुले छोड़ता है तो ऑब्वियसली बेस्ट है ही, राइट? तो कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले हमारे इंस्टाग्राम पेज को लाइक कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। कोई कोर्स के बारे में पूछना है, पेड कोर्स जो है उसके बारे में पूछना है तो ज़रूर हमें बताएं। और हमारे इस पेज को, हमारे इस चैनल को, हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में बेल का आइकन दबाएं, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी हाँ, तभी मिल पाएगा जब आप प्रॉपर तरीके से इसको फॉलो करोगे। इस तरीके से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल का आइकन ऑल पे दबाओ, ताकि आपको हर एक वीडियो का मैसेज मिले। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ गुड डे, एंजॉय।